की अभूतपूर्व सफलता पर खुशियों का समारोह पर्व। सनातन धर्म मंदिर के सहयोग से कंज्यूमर्स एसोसिएशन ने चंद्रयान 3 की अभूतपूर्व सफलता पर किया समारोह आयोजित। समारोह में रोटरी क्लब मिड टाउन पंचकुला के प्रेसिडेंट में पंकज कपूर ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त एस के कौशलवा, सुप्रसिद्ध उद्योगपति हरीश साहनी ने संयुक्त भूमिका निभाई। समारोह का शुभारंभ ज्योति प्रज्वलन और मंत्रोच्चार के साथ हुआ। देशभक्ति के गीतों की गूंज ने वातावरण को जोश से भरा। मुख्य अतिथि पंकज कुमार ने चंद्रयान 3 की प्रचंड सफलता पर सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कंज्यूमर्स एसोसिएशन की उनकी पिछले 12 वर्षों के कार्यों की भरपूर प्रशंसा की। हमारे जीवन में बड़ा अवसर है, हमारी लाइफ टाइम में मेरे ख्याल में इससे बड़ा एज ए नेशन अचीवमेंट आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि और भी अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंचे कंट्री। ये हमारा जो लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है वो द नौ में शुरू हुए, जो द नौ में फर्स्ट था उसके पीछे 15-20 साल की जितनी मेहनत थी साइंटिस्ट्स की जो लगी, उसके बाद में हमने चंद्रयान 2 भेजा, जो आप सब जानते हैं लास्ट मोमेंट खड़े सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करता, उसकी वजह से क्रैश हो गया। लेकिन उसमें जो भी लेसन थे उनको बहुत अच्छे से ड्रॉप करके उनके ऊपर बहुत मेहनत करके हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रख के चंद्रयान 3 का इसको भेजने का प्रोग्राम बनाया गया। चंद्रयान 2 के बारे में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वो मिशन हमारा सक्सेसफुल कम्प्लीटली नहीं हुआ, पार्शियली सक्सेसफुल हुआ। मुझे पर्सनली जो चीज़ उसमें बहुत अच्छी लगी कि फेलियर के अंदर जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो उनके इसरो के चीफ थे उनको अपने गले से लगाया, उनका हौसला बढ़ाया और उनको प्रेरित किया कि इसके आगे और बहुत वक्त है जिसमें आप और अचीवमेंट कर सकते हैं। खास क्यों है चंद्रयान 3 खास क्यों है? खास इसलिए है, पहली चीज को एक एक्सक्लूसिव क्लब है यूएसए सबसे पहले, उसके बाद में यूएसएसआर, उसके बाद में चाइना, ये तीन है कंट्री जो चंद्रमा तक जा पाए। लेकिन इनमें से कोई भी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब नहीं रहा। जिस तरह से भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक चंद्रयान 3 मिशन शुरू किया गया था जो एक कामयाब रहा, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम चंद्रयान 3 की सफलता की बात करते हैं तो इसमें अगर हम बात करें हमें 15 साल पहले जाना पड़ेगा जो बड़े वैज्ञानिकों की मेहनत के ऊपर, जब चंद्रयान 1 2008 अक्टूबर 2008 के अंदर लॉन्च किया गया था और 2009 में आया और उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 का लॉन्च किया गया। तो आज सफलता हम चंद्रयान 3 की जो देख रहे हैं वो 15 साल की वैज्ञानिकों की मेहनत है जिस वजह से आज सक्सेस हुई। और अगर हम बात करते हैं कि हमें ये सीखने को भी मिलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, अगर हमारे वैज्ञानिकों ने उस समय हौसला छोड़ दिया होता तो आज हम ये कामयाबी को नहीं फेस कर पाते। तो ये आज उनकी मेहनत है, हम वैज्ञानिकों को सपोर्ट करते हैं कि जिन्होंने इस तरीके से पूरा सर एक जिस तरह से कंज्यूमर है एसोसिएशन उसको आप काफ़ी समर्थन दे रहे हैं, उसके बारे में बताएं जरा थोड़ा। मैं जब से कंज्यूमर एसोसिएशन के राणा जी हैं या शर्मा जी के साथ जब से मिला तो मेरे को ये एहसास हुआ कि हम सब एक कंज्यूमर हैं सबसे पहले,
क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति एक विक्टिमाइज है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को एज एन कंज्यूमर प्रॉब्लम होती है। तो जब मैं जुड़ा तो मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि कंज्यूमर राइट के बारे में बहुत सारे लोगों को उसका एहसास नहीं है। तो जो ये काम करते हैं कंज्यूमर के लिए और फ्री ऑफ सेवा करते हैं, तो वो जो टाइम लगाते हैं, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो इन्होंने इतना समय एक कंज्यूमर के लिए अपना खुद टाइम खर्च करके, खुद टाइम स्पेंड करके तो वो की सेवा करते हैं। तो ये मानवता के लिए जो काम करते हैं ये बहुत सराहनीय है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।